ओके, हम नीचे जा रहे हैं, विजिबिलिटी ठीक ठाक है, फॉलो मी। एक मिनट, लगता है मुझे कुछ मिल गया है। ये क्या है? श्री कृष्ण घर छोड़ के पश्चिम की दिशा में मरुभूमि के उस तरफ एक द्वीप में घर बनाते हैं जिसे हम द्वारका कहते हैं। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979-80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की। ये पक्का किसी इंसान का ही बनाया हुआ है। इसकी शेप रेक्टेंगल है और ये कुदरती नहीं हो सकता। ये कुदरती तौर पर नहीं हो सकता, ये किसी इंसान का ही काम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला। कौरव अधर्मी है, उनका मारा जाना सही था, लेकिन गांधारी को लगता है कि उनके बेटों को मारने से श्री कृष्ण ने अन्याय किया है। गांधारी उनको श्राप दिया है। तुम्हें श्राप देती हूँ। अरे गांधारी, तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा, तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण इस द्वारका धाम से अपने धाम को गए, यहाँ पर समुद्र ने सारी द्वारका को जलप्लावित कर दिया। आज भी शोध जारी है। अब देखना ये है कि द्वारका नगरी के नष्ट होने की गुत्थी सुलझने में और कितना समय लगता है।